बीवी को बेचा, नियत नहीं भरी। फिर उसने अपनी बहू को बेचा, नियत नहीं भरी। अपनी भतीजी को भी वो एक नहीं हजार बार बेच चुका है। हकीकत इससे भी ज्यादा डरावनी है। दूसरों की बेटी को नीलाम करने वाला कुंदन भला अपनी बेटी को क्यों नीलाम नहीं करता? अच्छा है भगवान ने कुंदन को बेटी नहीं दी, वरना वो उसे भी बाजार में बेच देता। अगर कुंदन के पास बेटी होती तो वो क्या करता? जवाब आपके कलेजे में आग लगा देगा। मेरी अपनी होगी ना तो ही दी होगी, आज तक तो यार दो बस लगवा देता, रोड में भगवान को तुम सरकार से देता है पैसा, तब ना इतने आगे देखने दिए। अंडरकवर रिपोर्टर हर राज को उगलवाना चाहते थे। हमारा अगला सवाल ये था, कैसे मिथिन गेंद होता है सदगो गुण है कौन को उसका मेरे पास फोटो भी है। हमें खबर इस बात की भी मिली थी कि कुंदन बाघ को मारकर उनकी खाल को भी बेचता है। यही नहीं ड्रग्स कारोबार करने में भी उसे महारत हासिल है। जब आप सुनिए, बाघों का खालों का से सौबे मेरे पास आते बाघ और सुन फेंके आते सौबे कौन ज्यादा है जो मुंह कुछ भी ना टोल करो छोड़ दिया तो आया तो थी एक और मुंह पे ही एक दांत है बोले वो फिर का बोलो से भागो खाल मानो मांगो और निशान दे इन थोड़ा बाबे पूरे ते तो सरासी हो जारो के क्या बकरा सब दो थी थी एक तो दिन ही छोड़ थी एक तो इतना आता हूँ लेकिन बेबारी इनके लगा कर कला की ये दो गौर है आपके देखो रहे आपने आके लिए। ये बयान सुनने के बाद भी सिरमौर पुलिस खामोश रहती है तो हैरानी तो होगी ही। हमारा सवाल था आखिर हरियाणा के खरीदारों को ठगा कैसे जाता है? लगे हाथ कुंदन ने वो कहानी बताई जो इससे पहले हमें एक और दलाल बता चुका था। तीन के 35-40 हजार रूपए किए एक तो देखाने में आ रहे थे पुटाले पुटाले की पाले सारे दोनों सीम देखा नहीं है रे ते जब भी तो सदा उठा दोला दे आरो सूट काटे ते बांध दियो जीशो लोग सारा नहीं आरो बांध दा है तो वो है अंदर है जीशो लोग हुए कौन ये पांडे आने युगन पांडे युगे से हमने यहाँ सोच रहे हैं हुए ना ये रहेगा दो दो ले ब्याम दे। हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या इस कारोबार की पुलिस को कोई भनक नहीं है या फिर ये धंधा पुलिस के रहम करम पर ही चल रहा है। किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी था। अब आप वो हकीकत सुनिए जिसे सुनने के बाद ये बात समझ आने लगेगी आखिर ये धंधा पनप कैसे रहा है। 40 हजार भी गए मैं यहाँ 50 हजार भी अगर 10 हजार चौकी में देने पड़े तो उस बात का मैं दुख नहीं ये गलत 40 तो हमारे को मदद सही बात है। हाँ देख भाई बोल रहा हूँ फिर आज मुझे दे पा रहा बोले कितना तो बोले बोले यार तू आम तो किए नहीं कहाँ फायदा कहाँ छोड़ो। पुलिस के साथ अपनी मिली भगत के बारे में वैसे कुंदन ने बहुत कुछ बताया, इस बात में सच्चाई कितनी है ये तो सिरमौर पुलिस या फिर कुंदन ही जान सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई सच्चाई है तो इससे शर्म की बात दूसरी कोई हो नहीं सकती। अभी तक कितनों को आप नकली दुल्हन बना के बेच चुके हैं सवाल हमारा था और जवाब कुंदन का। नामों के इंडिया पूरा दे पता ठीक पता पता नहीं है कि कितने आ गए कितने उतर गए बिकना ले यानी मुझे ना दिखना बता। हम ये भी जानना चाहते थे कि क्या कुंदन ने अब ये कारोबार छोड़ दिया है? कितने दिन पहले उसने फर्जी शादी करवाई? जवाब आपके पांव के नीचे से जमीन तक हिला देगा। ओए ना से फोन ले सीधा के ये बोलो बोलो मेरा मालिक नहीं है लड़के मेरे दो हो ना ते आमो ऐसा सुन दूंगा कहाँ ले रहा दो ही दमे ते हमें आ गया जो बोट है ते सीला को गोल तो सौ तो आ 30-35 हजार तीन में दे दिए सीला का सीधा है फोन तो कर दिया दे पाए इतने रुपये मुंह पे। सच है जो कुछ हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुआ वो सनसनीखेज था।
कुंदन ने अपने गुनाह को तो कबूला ही, सिर्फ पुलिस के काम करने के तरीके पर भी हजार सवाल खड़े कर दिए। अभी भी हम कई दलालों को बेनकाब करना चाहते थे। जिस राज को कोई नहीं जानता था उसे हमारे खुफिया कैमरे ने सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह हकीकत उस ऑपरेशन कलयुग की, जहां चंद लोग पैसों के लिए इंसानियत को बेच रहे थे। उनके लिए रिश्ते कोई मायने नहीं रखते, उनके लिए मानवता कोई मायने नहीं रखती। तहकीकात के लिए सिरमौर से संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं ऑपरेशन कलयुग, हिमाचल प्रदेश को हिला देने वाला अब तक का सबसे बड़ा स्टिंग ऑपरेशन। फिलहाल कुछ पल के लिए यहां हम ब्रेक लगाएंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको ये जरूर बताएंगे आखिर पंडित के वेश में कैसे बेनकाब किया अंडरकवर रिपोर्टर ने एक दलाल को। ब्रेक के बाद आप कहीं मजाइएगा। लड़की ऐसी नहीं है, लफोर नहीं है, उम्र की बहुत कम है।